नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल, आपकी आवाज़। आज नजीबाबाद के साहू जैन कॉलेज में 3 दिवसीय मैच का आयोजन किया जा रहा है। उपजिलाधिकारी विजयवर्धन तोमर यहां पर पहुंच चुके हैं और पिच का कर रहे हैं निरीक्षण। 3 दिवसीय मैच साहू जैन कॉलेज में होने जा रहा है। उपजिलाधिकारी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और जो खेलने के लिए पिच बनाई जाती है उसका निरीक्षण कर रहे हैं। उपजिलाधिकारी विजयवर्धन तोमर, उनके साथ में हैं कान्हा कर्णवाल और डॉक्टर अरोड़ा। क्रिकेट के नजीबाबाद में शौकीन मौजूद हैं। अब से कुछ ही क्षणों बाद मैच का भलीभांति उद्घाटन किया जाएगा। जो उद्घाटन करेंगे SDM विजयवर्धन तोमर, साथ में आप देख रहे हैं साहू जैन कॉलेज के प्रिंसिपल NP सिंह जी मौजूद हैं और अब लाइनअप हो चुके हैं खिलाड़ी। आप देख रहे हैं सारे खिलाड़ी, दोनों टीम के खिलाड़ी लाइनअप हो चुके हैं। उपजिलाधिकारी उसी क्षणों बाद सिक्का उछालकर टॉस बताएंगे किसको क्रिकेट में रन करना है या कौन बल्लेबाजी करेगा। नजीबाबाद के साहू जैन कॉलेज में आज से 3 दिवसीय मैच का शुभारंभ होने जा रहा है। दोनों टीम आमने सामने खड़ी हुई हैं और अब उपजिलाधिकारी सिक्का उछालकर टॉस उछालकर पहले उपजिलाधिकारी खिलाड़ियों का परिचय ले रहे हैं। हरी चकावा उपजिलाधिकारी कर रहे हैं, किसको कॉल किसकी है, क्या मिलता है अभी देखते हैं। उपजिलाधिकारी ने सिक्का उछाला और ये सिखाया। उपजिलाधिकारी और कान्हा कर्णवाल गुब्बारे उड़ाकर शांति का प्रतीक उड़ाकर करने जा रहे हैं। दोनों टीम साथ में है, कप्तान साथ में है और गुब्बारे उड़ाकर मैच का शुभारंभ करने जा रहे हैं। उपजिलाधिकारी विजयवर्धन तोमर, आप देख रहे हैं ये गुब्बारे उड़े और आसमान की ओर जाते हुए गुब्बारे, अब मैच शुभारंभ होने जा रहा है। चले आ सभी लाइनअप हो। अधिनायक जय रे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रावण उत्कल भंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उछल जलधि तरंगा। अब शुभ नाम आशीष मांगे गाए तब जय गाता, जन जन मन अधिनायक जय हे भारत जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। दर्शन कर ले। राष्ट्रीय गान के बाद उपजिलाधिकारी विजयवर्धन तोमर ने
रनर और ट्रॉफी के लिए विजेताओं के लिए ट्रॉफी निकाली। आप देख रहे हैं ये है ट्रॉफी जो मैच में जीतेगा और जो सेकंड रहेगा उनके लिए भी है ट्रॉफी। यहाँ पर जिलाधिकारी ने निकाली और मंच पर सामने रखी। आज हमारे कुछ पत्रकार बंधु और जो हमारे समाज सेवी हैं उन्होंने यहाँ पे नजीबाबाद में नजीबाबाद प्रीमियर के नाम से एक टूर्नामेंट का हम लोग आज प्रारंभ कर रहे हैं। इस टूर्नामेंट में 8 टीमें खेल रही हैं और इसमें अपने हमारे तहसील की भी टीम रहेगी, स्वास्थ्य विभाग की टीम है, PWD की टीम से, इस तरह के हमारे नजीबाबाद क्षेत्र की 8 टीमें हैं यहाँ पे। आज इसका उद्घाटन है और इसके अंदर अभी सुबह रजिस्ट्री ऑफिस और हेल्थ विभाग की टीम के बीच में मैच है। ये 20 ओवर का टूर्नामेंट है जो 10 बजे से शुरू होकर 1 बजे तक चलेगा। आज ये साउथ जैन कॉलेज नजीबाबाद के फील्ड पर टूर्नामेंट क्रिकेट का आयोजित किया जा रहा है। इसमें अभी SDM साहब ने बताया कि 8 टीमें जो हैं भाग लेंगी। SDM साहब की खुद भी तहसील वालों की टीम है और ये 23 तारीख से 26 तारीख तक ये टूर्नामेंट चलेगा। दो दो मैच प्रतिदिन होंगे। कॉलेज का पूर्णतः सहयोग इन लोगों के साथ है। बड़ा आयोजन SDM साहब CCO साहब के माध्यम से हो रहा है। एक तो सी साहब SDM साहब को ढेर सारी में शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ और जो 8 टीम खेलेंगी इन सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और ये हर साल ऐसा प्रोग्राम होता रहे यही मेरी शुभकामनाएं। नजीबाबाद के साउथ जैन कॉलेज में आज से 3 दिवसीय क्रिकेट मैच का शुभारंभ हो चुका है। दोनों टीम झंडे को लेकर रेस लगा रही हैं, फील्ड का चक्कर काट रही हैं और ये ध्वज लेकर दौड़ते हुए नजीबाबाद के साउथ जैन कॉलेज में 3 दिवसीय मैच का शुभारंभ उपजिलाधिकारी विजयवर्धन तोमर ने आकाश में गुब्बारे उड़ाकर किया और टीमें दोनों टीमें खेलने वाली टीमें रेस लगाकर मैच का शुभारंभ करने जा रही हैं। ये ध्वज अपने हाथों में लिए है, फील्ड के चक्कर काट रही हैं और ये ध्वज जाकर उपजिलाधिकारी को सौंपेंगी और ये ध्वज तब तक रहेगा जब तक मैच चलता रहेगा। ये देखिए ध्वज लेकर पहुँचे हैं और अब ये उपजिलाधिकारी को सौंप रहे हैं। हमारा संविधान, हमारा भारतीय ध्वज SDM विजयवर्धन तोमर और साथ में हैं कहना कर्णवाल, साउथ जैन कॉलेज के प्रिंसिपल यहाँ मौजूद हैं। अब ये ध्वजारोहण ध्वज यहाँ पर लगा दिए जाएंगे मगर खेल शुरू होने से पहले ही तूतू मैं शुरू हो गई। अब देखना यह है कि क्रिकेट मैच होता भी है या नहीं। कल क्यों बुला गए थे कैप्टन को बात करने के लिए? उनके सामने बात है कोई बाहर का नहीं रहेगा, आपके जो तो मुंशी रजिस्टर वो करेंगे, अब मुंशी के लड़के भी थोड़ी काम करने लग जाएंगे उनके साथ में जो तक बैठेंगे। अरे आप बताओ ना, आइए काम कर अरे LLB तो सब दुनिया करे हो भाई, ये तो सारे हैं रजिस्टर्ड डीलर है क्या? अरे बबलू भाई खिलाड़ी बनाए जो रजिस्टर्ड है, पार्टी मेंबर अध्यक्ष जी, एक मिनट कप्तान को बुला के कमेटी के पास बुला लो। कप्तान कौन है सर भाई? आप भाई अध्यक्ष जी इधर सुने, अध्यक्ष जी इधर ध्यान दे, दोनों ही कप्तान एक मिनट नहीं रहे, सब यही पकड़े हुए हैं। LLB करके सब इनके बारे में 314 इनके पास में 314 की लिस्ट है। हमने अध्यक्ष जी से कहा कि अध्यक्ष जी मीटिंग हुई, इसमें बात हो चुकी है, अब यहाँ पे हम लोग इस चीज में नहीं डिस्कस कर रहे। दूसरी टीम में फार्मासिस्ट तो आ रहे, कौन से जो फार्मासिस्ट नहीं है सरकारी कर्मचारी कौन से? अरे भाई सरकार से पेमेंट मिल रहा है उनको जाके, आउटसोर्सिंग है वो, कोई हम प्राइवेट आदमी को थोड़ी नहीं लिया है, वो लाइनमैन है, वो संविदा कर्मी है। ऐसे यहाँ पे इनके यहाँ जो नगर पालिका में संविदा सफाई कर्मी होंगे तो वो तो कम उसी कर्मचारी है ना। ये रहेगा आउटसाइडर है जबकि हमारे कैंपस के लोग हैं, तो अब क्या करें? ये अब मालूम नहीं, देखो ये तो खिला रहे हैं आउटसाइडर, इनकी इनकी टीम में है एक दो आउटसाइडर,
संविदा वाले भी हैं, उस संविदा वालों को भी मानना है, हमें काम करने वालों को भी मानना है।